काशीपुर में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर काशीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन करके बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा किया था। अटल जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। इसके साथ ही भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि वाजपेयी जी ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा। उनकी नीति और सिद्धांत आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अटल जी के विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद दिल्ली स्तर तक इतनी मजबूती से पहुंचाई कि जैसा उनका नाम है कि वो अटल थे, बैठ दो सब, वो खुद तो बैठो पप्पू, उनकी याद आज हम अपने मन में सारा देश कर रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को अटल कर गए। आज भारतीय जनता पार्टी अगर देश में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, और जिन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम देश को दिए, ऐसी शक्तियां जो एटॉमिक पावर को छिपाए बैठी थी, पहले प्रधानमंत्री आए जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत एटॉमिक देश है, भारत के पास एटॉमिक पावर है, हम इसको किसी इसका गलत प्रयोग उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन अच्छे कामों के लिए भी इसका उपयोग होता है, वहीं तक हम इसको सीमित रखेंगे। आज यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक, हमारे जिन्होंने पार्टी को स्थापित करने का काम करा, और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि हम लोग यहाँ रामपुरम में अटल पार्क में मना रहे हैं। अटल जी की मूर्ति पर अभी माल्यार्पण किया है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी को संसद तक पहुंचाने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया था, वो एक ऐतिहासिक क्षण था। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश के लिए कार्य किए वो भी अविस्मरणीय हैं। उनमें जैसे परमाणु प्रयोग, हमारे देश को परमाणु शक्ति बनाया उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और नदियों को एक करने की जो योजना बनाई थी वो बहुत बड़ी योजना थी, जिसमें चतुर्भुज योजना पर आज भी काम चल रहा है। उनके दिए हुए जितनी भी प्रेरणाएं थीं उस पर आज मोदी जी भी काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज देश विकास की गति, देश की विकास की गति बहुत तेज हो चुकी है, तो ये उन्हीं की प्रेरणा थी जो आज हम लोग जो है वो इतने आगे देश को ले जाने में कामयाब हुए हैं। तो हम ऐसे अपने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धे अटल जी की हम पुण्यतिथि आज यहाँ पर बड़े श्रद्धा पूर्वक ढंग से मना रहे हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता बंधु एकजुट होकर उन्हें पुनः श्रद्धा सुमन और अर्पित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।